हिमाचल प्रदेश में सेब तैयार होकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले अली वेराइटी सेब और नाशपति सेब मंडियों में पहुंच रहा था, लेकिन सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी सेब सीजन शुरू होते ही आढ़तियों की मनमानी शुरू हो जाती है। ऐसे में सेब बागवान को अपना सेब औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब तैयार होकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले अर्ली वैरायटी सेब और नाशपाती सेब मंडियों में पहुंच रहा था, लेकिन सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी सेब सीजन शुरू होते ही आढ़तियों की मनमानी शुरू हो जाती है। ऐसे में सेब बागवान को अपना सेब औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की ओर से तौलिए के नीचे हाथ रखकर गुप्त बोली यानी सेब के दाम गुप्त रूप से लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। सेब आरती और खरीददार तौलिए के नीचे हाथ रखकर कोर्ट बोर्ड में सेब की दरें तय करते हैं। सामने खड़ा किसान तौलिए के नीचे क्या सौदा हुआ नहीं समझ पाता। ऐसे में तौलिए के नीचे उंगलियों से आरती और सेब खरीद करने वाला रेट तय करते हैं कि कितना बागवान को देना है, कितना कमीशन रखना है। उसके बाद बागवान को बताया जा रहा है कि आपके सेब का दाम इतना है और उसे मजबूरी में उनके द्वारा तय दरों पर बेचना पड़ता है। इसी तरह इस बार नारकंडा से खेक्सु तक के आरती 6 लेयर से पेटी के दाम बोली लगने अथवा बिकने के बाद 25% पैसा काट कर दे रहे हैं। इसका भी बागवान विरोध कर रहे हैं। बागवानों ने आरतियों के साथ एपीएमसी के मौके पर तैनात कर्मी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाए। आज भी लुहरी के समीप कुल्लू जिला के खेक्सु सेब मंडी में दर्जनों से आरती रुमाल और तौलिए के नीचे उंगलियों से सेब की दरें तय करते हुए पाए गए। जैसे ही उन्हें कैमरे की भनक लगी तो सब ने तौलिए हटाकर खुली बोली बोलनी शुरू कर दी। शमशेर सिंह बागवान ने बताया कि वे सेब लेकर खेक्सु पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि अब भी तौलिए के नीचे हाथ रखकर बोलियां लग रही है, जो सरासर गलत है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि एपीएमसी के लोग यहीं बैठते हैं, फिर भी धांधली हो रही है। मेरा नाम शमशेर सिंह है, मैं बागवान हूँ। मैं हम यहाँ अपनी पेटियां लेके आए, परंतु यहाँ जो क्या बोलते हैं बोलियां अभी भी रुमाल के अंदर लग रही है, जो कि सरासर गलत है। इसका हम अपोज करते हैं और यहाँ जो बिजनेस कमेटी के ऑफिशियल है वो भी यहीं बैठते हैं। बागवान चुन्नीलाल ने बताया कि इस पर आरतियों से जो 6 लेयर सेब पेटी जिनमें 310 दाने हैं उसका रेट बोली के बाद 25% कम कर बागवानों को दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने बताया कि दूसरे तौलिए के नीचे हाथ रखकर बागवान के सेब का दाम तय किया जा रहा है, जो कि गलत है। मेरा नाम चुन्नी लाल है। तो इस बारी आरती लोग आज तक जो है सेब एक रेट में बिकता था, इस बारी ये जो 6 लेयर है 310 जो है 25% लेस कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और बाकी हर मंडी में नहीं कटता है 25%, कोई नहीं कटता है, और खेक्सु मंडी में ही और नारकंडा में ही कट रहा है, बाकी कहीं नहीं कट रहा है। और जो ये रुमाल के नीचे हाथ देते हैं बुरबुर को पता नहीं लगता है, ये ओपन बोली होनी चाहिए, रुमाल के नीचे नहीं होना चाहिए। खेक्सु सब्जी मंडी आरती संघ के चेयरमैन करमचंद ने बताया कि अर्ली वैरायटी सेब के दाम अच्छे थे 700 से बढ़कर। इसी तरह नाशपाती की फसल इस बार अधिक थी, फिर भी दरें 700 से 1000 तक बिकी, जबकि रॉयल 2 से 2500 रुपए प्रति बिक रही है। मेरा नाम करमचंद है जी, मैं खेक्सु मंडी का चेयरमैन हूँ, और अभी रॉयल वैरायटी हाल ही में शुरू हुई है, अच्छे रेट मिल रहे हैं, और टाइडमैन के भी ठीक रेट मिले हैं। नाशपाती बहुत ज़्यादा फसल को देखते हुए भी काफ़ी अच्छे रेट मिले हैं। अभी रॉयल के रेट 2000 से 2500 रुपए तक मिले हैं जी, और टाइडमैन ऑलमोस्ट ख़त्म है, 700 से 1100-1200 तक टाइडमैन बिक रहे हैं, और नाशपाती 700 से 1000 रुपए तक बिक रही है। मंडी समिति निदेशक केबल राम बुश्री ने बताया कि हमारे ध्यान में आया है कि आरती रुमाल के नीचे बोली लगाकर बागवानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार बागवानों के हितों को सर्वोपरि रखती है, ऐसा पाया गया तो आरतियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें अगर एपीएमसी के कर्मी संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर एपीएमसी शिमला किन्नौर, जैसे कि हमारे ध्यान में आ रहा है कि जो आड़ती लोग हैं
रुमाल के नीचे बोली लगाने का जो कार्यक्रम छेड़ रखा है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था कि खुली बोली लगाई जाती थी और सीधा बागवानों को उसका रेट का पता लगता था, ऐसा ध्यान में आया है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम जो है बागवानों के हितों की रक्षा करते हुए ऐसे आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में ला सकते हैं और इसकी जो है हम जो शीघ्र ही अपनी बैठक में मुद्दा उठाएंगे और बागवानों के हितों की रक्षा पूर्ण करेंगे और अगर इसमें कोई कर्मचारी भी संलिप्त है उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।